सेना के मारे जाने के बाद देश के लोगों में गहरी नाराजगी है। कहा जाता है कि दूर गांव तक लोग नाराज हैं। आइए जानते हैं कि घर घर लोग क्या सोच रहे हैं। दुख की बात है और बहुत हम लोगों के लिए कमी है कि हम लोग इतना बड़ा देश होकर के भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते। अभी हम लोगों को सब कुछ छोड़ करके इस पर कड़ाई से कदम उठाना चाहिए। जो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिस वक्त हम लोगों को के साथ हुआ था भारत सरकार ने की थी, उस तरह से भी बड़ा कार्रवाई अभी होनी चाहिए। हम सब सरकार के साथ हैं कि जितने बड़ा कड़ा से कड़ा कदम उठाए जाए जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास भक्ति है, हमारे पास सारी चीजें हैं। सारा देश इसके साथ है, एक सूत्र में बंधा हुआ है कि उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और उचित कदम उठाया जाए। इससे भारत सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, करना चाहिए। आगे जनता में आक्रोश है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए पाकिस्तान को। आपकी नजर में किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए? 42 सैनिक मारे गए, इस पर क्या बात है? 42 सैनिक मारा गया, उसके हिसाब में कम से कम 1000 मारा जाना चाहिए। मैं रघु कुमार जी, जिला मुखिया, मुखिया संघ। आज जो हमारे सैनिक के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ जी, उसमें मैं अपने पंचायत वासियों की ओर से गहरी निंदा करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो हमारे 40 सैनिक को मारा है, कम से कम 2000 से घर में घुस के हमारे सैनिक मारे। पब्लिक का यही मांग है जो कि कम से कम हजारों हजार की संख्या में इसको घर में घुस के हमारे सेना कश्मीर की जो घटना है, जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक मारे गए हैं, लगातार इसके प्रति प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। प्रतिनिधि और आम पब्लिक तक इससे नाराज हैं। घटना है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो सरकार मोदी जी है वो अपना स्तर से जो कठोर से कठोर कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई मिलना चाहिए। सरकार उस पर कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। कश्मीर 42 जवान मारे गए, 42 का बदला क्या? तो खून के बदला खून चाहिए हमको, यही मांग हमारा। प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए कि जो उसका बल है, बल का कठोर से कठोर कार्रवाई और एकदम सतर्कता रहना चाहिए। हर कदम पर 24 घंटा सतर्क रहना चाहिए। पब्लिक क्या सोचते हैं घटना के बाद? पब्लिक तो बहुत दुखी है। ये कहा जाता है कि जब से ये घटना के बाद सामने आ रही है तो कई तरह का शादी समारोह का आयोजन भी हुआ है, कई तरह का आयोजन है, वहाँ भी मायूसी देखी जा रही है, क्या ये सच है? एकदम सच है। हर पब्लिक के अभी इतना आक्रोशित है जो कि खून में इतना गर्मी है जो कि अगर नजदीक में रहे तो सामना करने के लिए सक्षम। अगर अपने जवान सक्षम नहीं है तो पब्लिक जाकर के मोर्चा थाम सके, इस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है। पूरा देश शोका पूर्ण है। आज उनके परिवार को ही नहीं, देश को गम है। कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। जब तक देश दुनिया रहेगा उनको याद करेगा। खंड अध्यक्ष युवा कांग्रेस बोखड़ा, ये विपत्ति की घड़ी करतूत पाकिस्तान के लोगों ने दिखाई। इस तरह से आतंकवादी हमला करवा के और ये दोगली पॉलिसी, एक तरफ बात करते हैं कि हम समझौता करेंगे, आपसी जो है आपस में मिलजुल कर रहेंगे, रहने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ न करके पीठ पीछे पीठ पे वार करना ये पाकिस्तानियों की आदत है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है मांग करता हूँ पूरे यूथ कांग्रेस की ओर से और पूरे हिंदुस्तान वासियों की ओर से कि आप जो है पाकिस्तान का, अब वो वक्त आ गया है कि आप अपने 56 इंच वाला जो है सीना दिखाने का काम करें और वहाँ हमला करवाने का काम करें। हम लोग तैयार हैं और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को का नामो निशान और पाकिस्तान का नक्शा से नामो निशान मिटा देंगे। अभी शहीद को हवाले करो, भारतीय सेना जिंदाबाद। तो आपने देखा
कश्मीर की जो घटना है, जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक मारे गए हैं, लगातार इसके प्रति प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। प्रतिनिधि और आम पब्लिक तक इससे नाराज हैं। बस एक ही मांग है कि मुंह तोड़ जवाब, 42 का जो संख्या है हमारे सैनिकों की मारे जाने की, इसको असंख्य में बदलने की जरूरत है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z News Live, पटना, बिहार।